मैं हूं शिव घोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री अड्डा। आपके लिए हम एक बार फिर एक बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA ने एक वैकेंसी निकाली है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डिटेल, क्या है वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट में निकली है। यहाँ देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वैकेंसी निकाली है। इसमें देखिए 23 मार्च 2020 से वेबसाइट का लिंक ओपन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22/4/2020 है। 22 अप्रैल तक आवेदन होंगे और जो आवेदन शुल्क जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2020 शाम 6 बजे तक है। तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्टों पे वैकेंसी है वो निकली है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए उपनिदेशक प्रणाली, दो पोस्ट है, उपनिदेशक योजना, सहायक निदेशक प्रणाली, सहायक निदेशक योजना, सहायक लेखाधिकारी, वास्तुकला सहायक, योजना सहायक। यहाँ देखिए अनुभाग अधिकारी उद्यान, खै समूह की सेकंड ग्रेड पोस्ट है। कुल जो पोस्ट है वो 48 है। यहाँ देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 21 है और EWS के लिए 5 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, सॉरी अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 14 पोस्ट है। टोटल कितनी 48 पोस्ट है अनुभाग अधिकारी उद्यान की। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आसोलिपिक ग्रेड D, पटवारी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और माली की भी पोस्ट है वो निकली हुई है। टोटल पोस्ट है वो 629 पोस्ट है। यहाँ देखिए फिर रिक्तियों, योग्यता, भर्ती की प्रक्रिया आदि से युक्त विस्तृत अधिसूचना 23/3 यानी 23 मार्च 2020 से प्रातः 10 बजे से लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे आपके लिए लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे जाके आप देख सकते हो। इस वेबसाइट पे जाना है www.dda.org.in। जॉब्स कॉर्नर में जाके आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2020 मिलेगा, वहाँ से आप विस्तृत डिटेल है वो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।